कूट कूट करके सकामता हमारे भीतर भरी हुई होती है और फिर भी हम भक्तों के अग्रणी। भगवान इसलिए यहां पर कहते हैं उद्धव, चित्त को केवल केवल मेरा आवेश रह जाए। मई अर्पितात्मन सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यत्त कुतस्यात् विषयात्मना। उतो जिनका मन, जिनके प्राण, जिनकी बुद्धि केवल मुझ में लग गई, उद्धव ये मनुष्य के जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च स्थिति है, सबसे ऊंची अवस्था ये। कितनी ऊंची है, भगवान भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान भक्ति में तल्लीन संतों का वर्णन कर रहे हैं। और उस समय क्या बोलते हैं, निरपेक्षस्य दान्तस्य अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। जिनको केवल मैं चाहिए, देखो घर बार छोड़कर के यहां पर आकर के हम बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन सारे सूत्रों के साथ अपने जीवन को जरा जोड़ जोड़ करके जांचते रहे कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। एकदम आगे पहुंचने की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जान लेने की तो आवश्यकता है। आपको सकाम कर्म करने हो तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, उल्टे गृहस्थ आश्रम में उसकी आवश्यकता होगी। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट स्टेट। सर्वोच्च बात क्या है इसको भी जाने तो सही। भगवान कहते हैं अकिंचनस्य दान्तस्य। अच्छा, बड़ी एक विशेष बात क्या होती है, मनुष्य बहुत चतुर है। वो क्या कहता है, मेरी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी ना फिर मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। वाह, ये व्यापारियों की भाषा हो गई, ये नेताओं की भाषा हो गई। मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा, ये सब कुछ ठीक ठाक होने की उसकी कल्पना भी रोज बदलती जाती है। जिन संतों के जीवन हम देखने जा रहे हैं, ध्यान रखना उनका वर्णन भगवान यहां पहले कर रहे हैं। अकिंचनस्य, इनके पास कुछ नहीं होने पर भी अकिंचन, अरे सब कुछ मेरे पास है, ऐसी अवस्था में अब मैं निष्काम हो जाऊं ये पॉलिसी रखना एक बात है, और कुछ भी नहीं है तब भी मुझे कुछ चाहिए इस प्रकार की भावना रखना ही गलत है। ऐसे जिसके मन की उर्मी है, न मिलो खावया न वाढ़ो संतान परिह नारायण कृपा करो। न मिलो खावया न वाढ़ो संतान परिह नारायण कृपा करो। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे ठाकुर चाहिए। ठाकुर हमारे रमण विहारी, ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी।
ठाकुर हमारे रमण विहारी हम है रमण विहारी के ठाकुर हमारे रमण विहारी हम है रमण विहारी के ठाकुर सेवा धर्म किंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका स्वयं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, जिनकी वृत्तियां कभी भी क्षुब्ध नहीं होती, जो शांत है, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि क्या इतना शांत भी रहा जा सकता है। आरती में शब्द आया है, देखो अचानक वो आ गया, शांत रस तरुधारी, मानो शांत रस उनके रूप में साकार हो गया। जब संत एकनाथ महाराज का जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि
ये कोई मनुष्य नहीं है, शांत रस ने ही मानव की आकृति धारण कर ली, इतने शांत। चिढ़ने वाले, चिल्लाने वाले, उठा पटक करने वाले, रात दिन हाय हाय मची, ऐसे लोग हमें रोज ही मिलते हैं। ऐसे कोलाहल से भरे हुए इस संसार में भी एक शांत ज्योति के समान तृप्ति से जलने वाली ज्योति का नाम संत होता है, ध्यान रखना। शांतस्य समचेतसः, जिनका चित्त सारी स्थितियों में सम है, जिनके ऊपर बाहर की कोई वृत्ति का प्रवृत्ति का कोई परिणाम ही नहीं दिखता है, जिनकी दृष्टि में किसी प्रकार की विषमता नहीं है, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, या तो सब मेरे हैं या कोई मेरा नहीं, अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतसः मया संतुष्टमनसः सर्वासुखमया दिशः। उनको जीवन का परम संतोष एक ही बात में प्राप्त होता है कि किसी तो भी अत्यंत बड़ी प्रभु की कृपा से, अथवा किसी पूर्व पुण्य के उदय से, अथवा भगवान के मंगलमय अनुग्रह से मेरा मन भगवान में लग गया, बस मेरे भगवान मुझे याद आते हैं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मया संतुष्ट मनसा सर्वासुखमया दिशा, इनको सर्वत्र सुख ही सुख अनुभव होता है, इसलिए इनकी कोई जीवन के बारे में शिकायत नहीं होती। जिसके बारे में हमारी शिकायत नहीं, ऐसा एक आदमी नहीं, और जिस दिन मैंने शिकायत की नहीं, ऐसा कोई दिन गया नहीं, ऐसा हमारा जीवन। रोज उठा पटक, रोज झंझट, देखो एक बात ध्यान रखना, कितने ही वर्षों तक आपने कितना ही सत्संग किया होगा, इस समय का सत्संग करने वाले सबसे अधिक भाग्यवान रहेंगे, क्योंकि वे केवल उन लोगों का चरित्र श्रवण करने वाले हैं जिनका चरित्र इस सारे संसार के लिए ललाम भूत है। मया संतुष्ट मनसा सर्वासुखमया दिशा, आगे भगवान ने बोलते बोलते एक अद्भुत बात कह दी। किसी भी कथा के श्रवण से पहले उस कथा का महात्म्य सुनते हैं ना, संत कथा से पहले संतों का महात्म्य सुनिए, और वो भगवान के मुख से सुनिए। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस श्लोक से बढ़कर के संतों का वर्णन कभी भी कोई भी कर नहीं सकता है। भगवान कहते हैं उद्धव सुनो, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूये ये त्यंग्रिरेणुभिः।
धव। ये संत वो संत होते हैं जिनके पीछे मैं स्वयं लगा रहता हूं, मैं जिनके पीछे पीछे चलता हूं रे। संत भगवान के पीछे चलते हैं, ये संतों की बात। भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, जहां वे जाएंगे वहां मैं पहुंच गया। कैसे होते वे, किस प्रकार के संतों के पीछे मैं चलता हूं। भगवान कहते हैं ये कसौटियां है। निरपेक्षम, जिसको मुझसे भी कुछ नहीं चाहिए, मुनिम शांतम, जो निरंतर अपने आप में लीन है, मनन कर रहा है। हमारे जीवन में अशांति इसलिए आती है कि हम पूरे बहिर्मुख हो गए, इसको उसको 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 सबको देखते रहते हैं, दुनिया भर का चिंतन करते हैं। संतों को इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। मुनिम मननशीलम, जो मनन करते हैं। संत है ना, अपने आप में खोए हुए होते हैं, इसलिए अनेक बार उनको भान नहीं होता है बाहर का। आगे चल करके भगवान के मुख से आप वर्णन सुनेंगे, लोक भाइया। कभी कभी लोगों को लगता है कि इसका ऐसा आचरण कैसे, ये हमारी कदर ही नहीं करता है, ये हमारी ओर देखता ही नहीं है। अब बहुत देख लिया भाई, बहुत सबकी कदर कर ली, बाहर की ओर ध्यान जाए तब तो बात दूसरी है। देखो एक बड़ा गहरा प्रसंग है, प्रसंग आप लोगों को पता है, आपने सुना है। भगवान सुखदेव जी महाराज घर त्याग करके चले, भगवान वेदव्यास जी महाराज उनका पीछा करते रहे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, अरे बेटे हे तात हे शुक, अत्यंत कातर होकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज उनका पीछा करते। और बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। पिताजी आवाज दे रहे हैं और बेटा उनकी उपेक्षा करके निकला है, ऐसा इसका अर्थ मत करना। भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं अपने भीतर इतने आत्मलीन हैं कि पिताजी को लगता है कि मैं आवाज दे रहा हूं ये सुन क्यों नहीं रहा है, उनको कुछ सुनाई दे तब ना। आत्मलीनता के कारण, मननशीलता के कारण, उस ब्रह्मानंद में डूबे हुए होने के कारण उनको अपने पिताजी की वाणी सुनाई दी नहीं। जानबूझ करके उपेक्षा नहीं की है, वो स्वयं में इतने लीन है, इतने डूबे हैं।
निरपेक्षम मुनिम शांतम। निर्वैरम उद्धव जो शांत हो गया, जिसके जीवन में कहीं अशांति का लेश नहीं रहा, जिसकी दृष्टि में, जिसके जीवन में कभी किसी के साथ वैर करने की भावना का उदय ही नहीं हुआ, भगवान अपने श्रीमुख से संतों का वर्णन कर रहे, जो निर्वैर हो गया। लोग इसको कुछ जो मानना है मानते रहे, इसकी दृष्टि में किसी के साथ वैर करने की भावना का उदय ही नहीं हो सकता। आगे आने वाले सभी संतों के जीवन में आप ये सब बातें देखेंगे। समदर्शनम, जिनकी दृष्टि में पूर्ण समानता है, ये मेरा ये पराया ये भाव नहीं है। भगवान कहते हैं उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। कब चलता हूं? जब वो मंदिर में जाने के लिए निकलते हैं तब उनके पीछे चलता हूं। ना भाई, वर्णन करते हैं नित्यम, वे जहां भी जो भी कर्म कर रहे हैं उस समय उनके पीछे मैं उपस्थित हूं। किस लिए? संरक्षण के लिए? ना 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 ना, अम्बरीश महाराज के पीछे सुदर्शन चक्र उपस्थित है और उस चक्रराज ने अम्बरीश की रक्षा की, हम लोग जानते हैं। यहां भगवान एक अलग बात बतलाते हैं, किसी के संरक्षण के लिए उसके पीछे चलने वाला इसमें क्या हो गया? जिसके पीछे चल रहा है उसको आवश्यकता है संरक्षण की। भगवान यहां पर संरक्षण के लिए नहीं चल रहे। बड़ी मजे की बात, भगवान कहते हैं अरे मैं उन संतों के पीछे इसलिए चलता हूं उद्धव भैया, कि जब वे चलते हैं ना, उनके चरणों से कुछ न कुछ तो धूल उड़ती है। जब वे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कुछ न कुछ तो धूलि के कण उड़ते ही हैं, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं और निरंतर चलने के प्रयास में रहता हूं कि उनके चरणों से उड़ी हुई धूलि के कण को अपने ऊपर धारण करके मैं पवित्र हो जाऊं। ये कौन बोल रहे हैं? पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता। जो मंगलमयता की पराकाष्ठा है, पवित्र की पराकाष्ठा है, पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च। और वे प्रभु कहते हैं मैं इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूं उद्धव, कि उनके चरण कमलों से उड़ने वाली धूल को अपने ऊपर धारण करके मैं शुद्ध हो जाऊं।
धूल के कण भी शुद्ध करते हैं मनुष्य को, ध्यान रखना। एक बात का आपको पता है कि नहीं? मुझे पता नहीं, पुराने लोगों को पता था। यदि कहीं पर कोई अपवित्र स्पर्श आपका हो गया है और स्नान करने का कोई साधन आपके पास नहीं है और स्नान करने की आवश्यकता है, समझ लो कोई महायात्रा जा रही है और किसी से आपका स्पर्श हो गया, तो स्नान तो आवश्यक ही हो गया। शव यात्रा में जाने वाले लोगों में से किसी का स्पर्श हो गया तो स्नान तो आवश्यक हो गया, लेकिन कोई सुविधा नहीं है और जल्दी जल्दी आपको कहीं पहुंचना है। शास्त्रकारों ने कहा कि यदि गौवे चलती हो और उन गौवों के पीछे थोड़ा सा आप चलेंगे तो गाय के खुर से उड़ने वाली धूल यदि आपके ऊपर आ जाती है तो आपको स्नान की आवश्यकता नहीं रही। सारे मुहूर्तों में उत्तम मुहूर्त माना गया है गोरज मुहूर्त। यह गोरज मुहूर्त क्या है? यह गोरज मुहूर्त वो है, पुराने जमाने में गांव गांव में सायंकाल के समय गौवे लौटती है चर के, वन में से गौवे आती है, तो बड़े समूह में गौवे जब, अच्छा गाय की भी और हम सब लोगों की भी एक बात है, जब घर से जाते हैं तो वेग कम होता है, घर पर लौटते हैं तो ज्यादा वेग से आते हैं, तो दौड़ती हुई आती है तो धूल तो उड़ती है। यदि आप कुछ समय के लिए गौओं के पीछे पीछे चले और वह गोरज आपके ऊपर आ गई, आपको स्नान की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार की गोरज जिस समय चारों ओर उड़ती है उस समय आपके द्वारा किया गया हर कर्म पुण्य कर्म हो गया, उसको दूसरा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। यह गोरज का महत्व है। भगवान यहां पर संतों की चरण रज का महत्व बतला रहे। भगवान कहते हैं पूये ये चंग्रि रेणु भी, उनके चरण कमल से उड़ी हुई धूल को अपने ऊपर धारण करके मैं और भी पवित्र होना चाहता हूं। अब भगवान से अधिक पवित्र क्या हो सकता है? लेकिन सच्ची बात यह है, ध्यान रखना, भगवान से अधिक पवित्र तो कुछ होता जाता नहीं है। ये बात संत नहीं कहते हैं, संत ऐसी बात कभी कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान की एक विशेषता है, वे जब संतों के बारे में बोलते हैं ना तो थोड़े पगला जाते हैं। ये बात थोड़ी पागलपन की बात है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला दादाजी भी जब अपने नवजात पोते के पास आता है ना तो ऐसी भाषा में बोलता है कि यदि उसी भाषा को किसी ने सुना और इंटरव्यू के लिए या मिलने के लिए आया हो तो कहेगा ये तो आदमी कुछ जानता ही नहीं है, व्याकरण भी जानता नहीं है, शुद्ध बोलना इसको आता नहीं, इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा। अरे वो पोते से बोल रहा है, लु 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 कुछ तो ही बोलता है आदमी, उसकी कोई भाषा नहीं, भाषा के कोई व्याकरण नहीं, शब्दों का आगा पीछा नहीं, इट्स द लैंग्वेज ऑफ लव Which only lovers can understand. भगवान की बात यहां पर यह है, भगवान से पवित्र क्या होता है? और यदि भगवान से पवित्र और कुछ है ऐसा आप मानेंगे ना तो इसको अति प्रसंग कहते हैं, फिर तो उसका कोई एंड ही नहीं है। भगवान पवित्राणाम पवित्रम, मंगलानाम मंगलम, दैवतानाम देवतम। और वो प्रभु भी ये कहता है कि इन संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए चलता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़े और उससे मैं अधिक पवित्र हो जाऊं। तो ये भगवान की केवल प्रेम की भाषा है, ध्यान रखना। भगवान संतों की महिमा हमारे मन में दृढ़ करने के लिए इन बातों को बतलाते हैं।
प्रभु के द्वारा इस संतों की महिमा का वर्णन किया गया।